बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं और उनके मुतल्लिक माहिर इल्मे नुजूम गनी जावेद ने एक बड़ी अहम पेशन गोई की और इस पेशन गोई में उन्होंने कहा कि मार्च के बाद इमरान खान की ज़िंदगी में तमाम रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी और अल्लाह की तरफ से उनके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। इमरान खान को चाहिए कि वो अपने करीबी लोगों से महफूज रहें। इसके साथ उन्होंने एक और बड़ी अहम पेशन गोई की कि इमरान खान 20 साल तक पाकिस्तान के वजीर आजम भी रह सकते हैं। सुनिए जरा उनकी तहलका खेज पेशन गोई। इमरान साहब जो हैं जी, वो पिछले 3-4 सालों से जो प्लैनेट उनके सामने खड़े थे या जो प्लैनेट उन पर असरअंदाज थे, वो रुकावटें डाल रहे थे। आए दिन कोई ना कोई रुकावट उनकी ज़िंदगी में आ रही थी। जिन दिनों वो उनके पास वज़ीर आज़म थे, वो उन दिनों में भी ऐसे ही हुआ। हर वक्त, हर महीने कोई ना कोई वाक़या, कोई ना कोई रुकावट, उसके बाद में तो है ही रुकावट। तो वो सर, खुशी की खबर ये है, इस साल मार्च के बाद उनकी ज़िंदगी में, इमरान साहब की ज़िंदगी में रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी इस साल मार्च के बाद। हाँ जी। और ये जो तब्दीली है, ये बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। नंबर वन। नंबर दो, इमरान साहब के बारे में हम अक्सर कहा करते हैं और आज भी यही आपके साथ मिलकर कह रहा हूँ कि ये जो अपने उनके करीब लोग हैं, खुदा रहा उनसे बचें। वो धोखा दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। और मार्च में ही विल बी मैसिवली डिसीव्ड। अच्छा, ये बहुत अहम बात है इमरान साहब के लिए। मैं बसीत एक पाकिस्तानी शहरी के, वो हमारे एक लीडर हैं, मैं जसारत कर रहा हूँ ये बात करने की, वट ए पिकमिंग पाकिस्तानी कैन डू। लेकिन मैं ये जसारत कर रहा हूँ कि इमरान साहब धोखे से बचें, धोखे से बचें, धोखे से बचें, और ये मार्च में बहुत बड़ा धोखा आने वाला है। लेकिन साथ ही आप ये कह रहे हैं कि मार्च के बाद रुकावटें भी सारी दूर। हाँ, रुकावटें पर वो जो पिछले सितारों ने लाई थी वो तो ख़त्म हो रही हैं। ये धोखा खाने से वो ऐसा ना होना कि किसी और को दावत दे दें कि प्लीज़ कम ऑन। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट आपकी ये। वहाँ दिस आई इन्वाइट यू। तो इमरान साहब को चाहिए कि रुकावटें अल्लाह ताला की मदद से, प्लानट की तब्दीलियों से उनकी रुकावटें ख़त्म हो रही हैं और अब एक नया 20 साल का दौर इमरान साहब की ज़िंदगी में शुरू हो रहा है। इसमें उनकी तख्लीकी सलाहियतें और ज़्यादा अरूज पर चली जाएंगी। मुमकिन है वो हुक्मरानी के साथ साथ, लीडरशिप के साथ साथ कोई तख्लीकी काम भी शुरू कर दें। वो भी प्लानट आ गया। आपने और मैंने देखे होंगे, एक दो किताबें आ चुकी हैं, लेकिन अब वो जो काम करेंगे वो ज़रूरत से ज़्यादा मानवीयत का हामिल होगा। अच्छा, तो ये प्लानट आ रहा है इमरान साहब के लिए 43 तक, 2023 से शुरू होगा और 2040 तक रहेगा। जिंदगी 20 साल रहेगा, तो वो उसमें तो ये उनके लिए कुदरत ने एक ऐसा ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि वह उनके ज़हनी सलाहियतें जो हैं उनको बरूकार लाएंगे और बड़ी मानवीयत के साथ।